दोस्तों आजकल सभी के मन में ये जिज्ञासा होती है, सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारी उम्र कितनी है, आखिर हम जिएंगे कितना। अगर हमारे शरीर में कोई कष्ट होता है, हमको कोई बीमारी परेशान करती है, या हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो हमारे अंदर एक वहम सा हो जाता है, हमें एक अनचाहा भय सताने लगता है और हमको लगता है कि हमारा जीवन अब समाप्त हो गया, अब हम आगे नहीं जी पाएंगे, हमारी उम्र खत्म हो गई, अब हम अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों क्या हम ये जान सकते हैं, क्या हम अपनी उम्र के बारे में जान सकते हैं, क्या हम ये जान सकते हैं कि हम कितना जिएंगे, क्या हम ये जान सकते हैं कि हमारी उम्र कितनी है, क्या हम ये जान सकते हैं कि हम आगे जीवन में कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, आप ये जान सकते हैं। और सबसे अच्छी और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब जानने के लिए आपको किसी के पास जाने की भी जरूरत नहीं है और किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने हाथ की लकीरें देखिए और जानिए अपने जीवन के बारे में, जानिए अपनी उम्र के बारे में, जानिए कि हम कितना जिएंगे, जानिए कि हम कितना कुछ आगे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मज़ेदार और ज्ञानवर्धक होने वाला है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही रोचक मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो दोस्तों देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार, आदाब, जय श्री राम। मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर देशराज चौहान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चौहान ज्योतिष। तो दोस्तों देर ना करते हुए आइए वीडियो की ओर। दोस्तों वैसे तो जीवन मरण ऊपर वाले के हाथ में है, यह मृत्यु लोक है, हम यहाँ पैदा हो चुके हैं तो हमको मरना तो अवश्य ही मरना पड़ेगा, लेकिन हम ये जाने कैसे कि हमारी उम्र कितनी है, हमारी मृत्यु कब होगी। हस्तरेखा शास्त्र एक ऐसा विषय है, ऐसा ज्ञान है, इसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि हमारी उम्र कितनी है, हमारी आयु कितनी है, हम कब मरेंगे, कब तक हम जीवित रहेंगे। तो दोस्तों ये जानने के लिए आपको लेकर चलते हैं हस्तरेखा शास्त्र की ओर। दोस्तों हमारे हाथ में जो तर्जनी और अंगूठे के बीच के स्थान से जो रेखा शुरू होती है और कलाई की ओर जाती है, उसको हम जीवन रेखा कहते हैं। ये व्यक्ति के आने वाले जीवन में कष्टों के बारे में, व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में, व्यक्ति के जो जीवन पथ पर आने वाली कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, उनको बताती है। अगर यह रेखा निर्दोष, गहरी और लंबी है तो व्यक्ति की आयु भी लंबी होती है। अगर यह रेखा छोटी है तो व्यक्ति की आयु भी कम होती है। अगर यह रेखा कटी फटी है तो व्यक्ति के जीवन में परेशानियां और दुर्घटनाएं बहुत आती हैं। अगर यह रेखा जंजीरकार बनी हुई है तो ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत ही कमजोर रहता है। अब सवाल यह उठता है कि हम जाने कैसे, इस रेखा से हम जीवन की गणना कैसे करें कि हमारी आयु कितनी है। तो आइए दोस्तों आपको समझाते हैं। देखिए दोस्तों अंगूठे की जड़ में हमारा ये शुक्र क्षेत्र होता है। जीवन रेखा जो होती है वो हमारे शुक्र क्षेत्र को अर्धवृत्त काल में जाकर घेरती है। वहीं शुक्र क्षेत्र को केंद्र मानकर, बीच के स्थान को केंद्र मानकर, जो हमारा अंगूठा है उसके बीच के स्थान से और शुक्र क्षेत्र के मध्य में एक केंद्र बिंदु स्थापित कर लेते हैं। अब इस केंद्र बिंदु से एक लकीर, एक लाइन हम ऐसी खींचते हैं जो हमारे कलाई की ओर, हथेली की बाहर की तरफ जाए। जैसे यहां से हमने एक लाइन खींची और हमारी कलाई की तरफ आई। दूसरी लाइन हम खींचेंगे जो हमारी कनिष्ठा उंगली है उसके हथेली के बाहरी ओर से और केंद्र बिंदु तक। इसके बाद हम तीसरी लाइन खींचेंगे बिल्कुल इसके बीच में। मान लीजिए ये अंगूठा है और उसके बीच के स्थान से ये पॉइंट आया है और इसी पॉइंट से हथेली के बीचों बीच ये लाइन जानी चाहिए, यानी यह हमारा मंगल क्षेत्र होता है, यह हमारा चंद्र क्षेत्र होता है और ये बीच का स्थान होता है। तो हम इसी को ऐसी रेखा खींचेंगे कि हमारी हथेली के बीचों बीच में जाए। अब देखिए दोस्तों जहां पर हमने पहली लाइन खींची है वह लाइन जीवन रेखा को कहां पर काटती है। अगर यह लाइन जीवन रेखा को यहां पर काटेगी तो यहां से व्यक्ति की आयु होगी 70 वर्ष।
अब देखिए जो हमने बीच में लाइन खींची है हथेली के बीचों बीच से जो लाइन खींची है वह जीवन रेखा को कहां पर काटती है, वह जीवन रेखा को जहां पर काटेगी वहां पर उम्र होगी 50 वर्ष। इसके बाद देखिए जो हमने अगली लाइन खींची है छोटी उंगली के मूल के स्थान से हथेली के बाहरी ओर से और केंद्र बिंदु बिंदु तक वह जीवन रेखा को कहां पर काटती है, जहां पर काटेगी वहां पर व्यक्ति की आयु होगी 35 वर्ष। ऐसे ही अगर और हम अंदर जाएंगे और सूक्ष्म देखना चाहेंगे तो हम जो हमारी अनामिका उंगली होती है उसके जड़ से तीसरी उंगली की तरफ से एक लाइन केंद्र बिंदु तक खींचेंगे। यह लाइन जहां भी जीवन रेखा को काटेगी वहां पर व्यक्ति की आयु समझे 25 वर्ष। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे।